टीम इंडिया को मिला नया विराट, सिर्फ 63 गेंदों में ठोक दिए 322 रन, छक्के भी लगाता है, रन भी बनाता है, विराट कोहली की तरह अपनी टीम को जीत भी दिलाता है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का बल्ला वर्ल्ड कप 2023 में खूब रन उगल रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ विराट कोहली जरूर शून्य पर आउट हो गए, लेकिन ये धाकड़ बल्लेबाज 6 पारियों में एक शतक के साथ 354 रन बना चुका है। रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली टीम इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप 2023 में टॉप स्कोरर हैं। अक्सर सवाल ये उठता है कि जब 34 साल के विराट कोहली संन्यास ले लेंगे तो उनकी जगह टीम इंडिया में कौन लेगा, लेकिन अब टीम इंडिया को इसका जवाब मिल गया है। जी हाँ, बीच वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को नया विराट कोहली मिल गया है, जो विराट की तरह चौके छक्के भी लगाता है। और मजेदार बात यह है कि ये खिलाड़ी कोहली की तरह ही अपनी टीम को जीत भी दिलाता है। तो अब तो आप जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर कौन है ये खिलाड़ी, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है टीम इंडिया का नया विराट। 63 गेंदों में ठोके 322 रन, टीम इंडिया का नया विराट इन दिनों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहा है और रनों की बरसात कर रहा है। ये बल्लेबाज विराट कोहली की तरह गेंदबाजों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। विराट कोहली के ऑप्शन के तौर पर जिस खिलाड़ी को देखा जा रहा है वो है 21 साल के ऑलराउंडर खिलाड़ी रियान पराग। असम की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले रियान पराग पिछले कुछ समय से जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो गेंदबाजों के लिए काल बन गए हैं। रियान पराग ने इस टूर्नामेंट में सिर्फ 63 गेंदों में 322 रन ठोक दिए हैं। इसमें उन्होंने 35 छक्के और 28 चौके जड़े हैं। खास बात यह है कि इस टूर्नामेंट में रियान पराग ने चौके से ज्यादा छक्के लगाए हैं, इसीलिए वो इस टूर्नामेंट में गेंदबाजों के लिए काल बन गए हैं। पराग ने बनाए सबसे ज्यादा रन। विराट कोहली को हर टूर्नामेंट में टॉप परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। रियान पराग भी पिछले कुछ टूर्नामेंट से ऐसा ही कर रहे हैं। देवधर ट्रॉफी के 5 मुकाबलों में उन्होंने 354 रन बनाए और वो इस टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर रहे। और अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी रियान पराग का बल्ला रनों की बरसात कर रहा है और वो अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी टॉप स्कोरर हैं। रियान पराग ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 7 मैचों में 110 की औसत से 440 रन बना दिए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं, जो कि सबसे ज्यादा हैं। 440 रन में 322 रन तो उन्होंने सिर्फ चौके छक्कों से बनाए हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ 63 गेंदों पर। आईपीएल 2024 में होगी रियान पराग पर नजर। रियान पराग पिछले कुछ महीनों से गेंद और बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि ये खिलाड़ी पहली बार अपने छोटे से करियर में शानदार फॉर्म दिखा रहा है। आईपीएल में रियान पराग राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं, हालांकि वो आईपीएल में कभी भी अपने प्रदर्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए हैं, इसलिए आईपीएल में रियान पराग को सिफारिशी खिलाड़ी भी कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनका प्रदर्शन देखते हुए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आईपीएल 2024 में ये खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से धमाल मचा सकता है और राजस्थान रॉयल्स के लिए कमाल कर सकता है। रियान पराग के दमदार प्रदर्शन को देखते हुए हो सकता है कि उन्हें जल्दी ही टीम इंडिया का टिकट मिल जाए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रियान पराग टीम इंडिया में एंट्री कर पाएंगे? क्या रियान पराग के इस प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें टीम इंडिया में एंट्री देनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।